very, very high right now, honestly. आज तक मैंने सुना था कि बैड लक भी खराब चल रहा है, आज ना मेरे साथ तो वही हो रहा है. लिटरली आई एम सो स्टूपिड. सो गेट रेडी फॉर अ फैशन शो गाइज. Guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. I'm loving vlogging these days. So, आज अष्टमी, a very very happy अष्टमी to all of you. आज मेरा fast है. मुझे comments में बताओ आप में से किस किस का fast है आज. तो मैंने नवरात्रि के पहले दो दिन तो fast किया था, उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी because as I said I was due on my periods and I got them, so I couldn't fast. But उसके बाद आज I'm fasting because पूरे नहीं भी कर पाई तो फर्स्ट एंड लास्ट कर लिया. एंड टुमारो नवमी है तो कल हम लोग नवमी पूजेंगे. सो या लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने जो देखा उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया. मेरी तबीयत एकदम ही डाउन हो गई थी एंड नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. एंड सो आई थॉट या व्हाई नॉट व्लॉग टुडे एंड टुमारो बिकॉज इट इज गोना बी फन. हमारी सोसाइटी में भी पंडाल लगा हुआ है दुर्गा पूजा का, कल हम लोग गए थे. मैंने उसका मिनी ब्लॉग डाला है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो. बट आज मैं शायद से रात को दोबारा जाऊंगी, आज या फिर कल एक दिन तो जाऊंगी. तो आई विल टेक यू गाइस अलोंग एंड इट इज गोना बी सुपर फन. बहुत अच्छा नीचे फंक्शन हो रहा है. सो यहाँ पे भी हो रहा है, मेरे सोसाइटी में भी हो रहा है. एंड देन हमारे जो काफी सारे सोसाइटीज के बीच में कॉमन एरिया है वहां पे भी इस बार यू नो टेंट्स वगैरह लगे हैं. सो आई गेस वहां पे भी हो रहा होगा. उसका भी इन्विटेशन आया हम लोगों को. सो लेट्स सी, शायद से उधर भी जाएंगे. सो आज की टू डू लिस्ट में बेसिकली ज्यादा तो कुछ है नहीं, मेरा फास्ट है अभी तो. मैं फ्रूट्स खा रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लॉट ऑफ ऑफिस वर्क, तो आज वो करना है. शूट वगैरह का आज टाइम नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज की टू डू लिस्ट में एक चीज है जो करनी ही करनी है एंड दैट इज टू गेट माई मॉम्स करवा चौथ आउटफिट स्टिच्ड. तो हम लोग जब चांदनी चौक गए थे तो वहाँ से हम मम्मी का करवा चौथ का आउटफिट तो लेके आ गए हैं, बट उसका ब्लाउज एंड एवरीथिंग अभी स्टिच करवाना बाकी है. ऑल्दो हमेशा मेरी मम्मी खुद ही अपना सारा कपड़े, मेरे कपड़े सबके हमारे खुद ही वो स्टिच करती हैं. उनको टेलर्स वगैरह का फिटिंग उतना पसंद नहीं आता है. बट देन इस बार उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, सो शी इज़ नॉट फीलिंग एनर्जेटिक इनफ टू डू ऑल दिस बाय हरसेल्फ. सो वी डिसाइडेड कि इस बार हम लोग टेलर को ही दे देंगे. सो दैट इज़ वन थिंग. तो आज हमको आंटी के घर जाना है एंड शायद से द टेलर विल कम देयर ओनली. बट अगर आज वो नहीं आता है सो वी विल गो टू सम अदर टेलर इन द सोसाइटी ओनली. सो दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डे. दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन टुडे एनी हाउ. एंड या इसके अलावा आज ज्यादा कुछ प्लान है नहीं, कल थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. सो आई थिंक आई व्लॉग बोथ द डेज इन दिस व्लॉग इटसेल्फ. सो या इफ यू आर एक्साइटेड वॉच दिस व्लॉग टिल द वेरी वेरी एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't already and the notification bell right next to it. Many hours later. 4 o'clock currently and अभी I did all my office work. और जिस टेलर को हमने बुलाया था वो आंटी के घर आ गया है, तो अभी हम बेसमेंट के रास्ते होते हुए आंटी के घर जा रहे हैं. तो आज थैंक गॉड ये काम हो गया फाइनली ऑफ माई चेकलिस्ट. तो हम लोग दे देंगे उसको जो भी आउटफिट है उसको स्टिच करने के लिए दे देंगे एंड देन प्रॉबेबली ही विल टेक अ वीक और सो. तो होपफुली आज देने के बाद वो टाइम पे वापस दे देगा. सो एज आई सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मम्मी ने से बाहर अपने कपड़े स्टिचिंग के लिए दिए. मोस्टली वो खुद ही करती हैं, बट दिस टाइम शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो शी इज़ वेरी वेरी क्यूरियस एंड एंक्शियस एट द सेम टाइम कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा. टेलर ने बोला तो है कि संडे तक मिल जाएगा एंड होपफुली वो दे दे टाइम पे. सो या दैट्स द अपडेट अबाउट मम्मीज करवा चौथ आउटफिट. एंड देन दैट अभी गेट खोलते ना मेरा ये थंब का नेल टूट गया है. मेहनत से मेरे नेल्स बढ़ाए हैं वापस से एंड अभी ऐसे टूटने लग गए हैं. अब आई डोंट नो, आई एम प्लानिंग कि मैं सारे नेल्स कट कर दूं, फिर मैं सोच रही हूँ ना करूं, ये एक बढ़ जाएगा. एंड अभी मेरे पास थोड़ा बहुत काम है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं सोच रही हूँ शायद आई विल बी कुकिंग माय ओन फूड टुडे बिकॉज अभी मम्मी है नहीं घर पे, फिर पता नहीं वो लेट आएंगे और मुझे भूख लगने लग गई है. सो मैं फास्ट खोलूंगी तो उसका मैं खाना सोच रही हूँ कि अभी बना लेती हूँ. सो या एंड उसके बाद क्योंकि 7:30-8 बजे के करीब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे नवरात्रि का फंक्शन हो रहा है हमारी सोसाइटी में. एंड ऑल्सो मुझे शॉपिंग भी जाना है अभी बिकॉज कल नवमी है एंड उसके लिए आई नीड टू गेट सम स्टफ.
तो वो भी मुझे अभी जाना पड़ेगा शॉपिंग करने। आप लोग बताना आप लोगों ने कलची का आज जमाती अष्टमी को या आप लोग भी नव पूजोगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑफिस फिनिश हो गया एंड आई लुक होमलेस एट द मोमेंट बिकॉज मुझे फटाफट से शॉपिंग के लिए जाना है, कल के लिए सामान लेके आना है बिकॉज फिर लेट हो जाएगी। एंड मम्मी खाना बना रही है, मैं वो करूँगी, उसके बाद वी हैव टू गेट रेडी एंड गो डाउन फॉर द फंक्शन। Much later. So dinner वगैरह सब हो गया है, इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, मजा ही आ गया खाना खा के। अभी थोड़ी सी सुस्ती आ रही है क्योंकि पूरे दिन फास्ट करने के बाद अभी खाना खाया है ना, बट क्योंकि अभी नीचे जाना था तो कभी कभी मौका लगता है नीचे जाने का ऐसे functions and all, ऊपर से कोविड के बाद इतने टाइम के बाद इतना फंक्शन हो रहा है तो मैंने सोचा कि वी शुड नॉट मिस द चांस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने आउटफिट के लिए पहना है ये सूट, अभी आपको थोड़ी देर में फोल्ड लगा दिखा दूंगी। एंड ये दुपट्टा, एक्चुअली मेरे नवरात्रि के ज़्यादा कुछ प्लान थे नहीं तो मैंने नवरात्रि के लिए कोई आउटफिट शॉपिंग एज सच की नहीं थी, तो ये सारे सूट्स वगैरह मेरे पहले के ही रखे हुए हैं तो मैं उन्हीं को पहन रही हूँ। एंड एनीवेज आई डोंट माइंड रिपीटिंग माय क्लोथ्स बिकॉज वॉशिंग मशीन है घर पे तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो या दैट्स दैट। अभी ये हो गया एंड फॉर हेयर स्टाइल मैंने हाफ पोनी बना ली है बिकॉज I am very very bad at doing my hair, so that is done. अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। Anyways, मुझे बहुत कभी कभी ऐसे मौका मिलता है कि मैं मेकअप करके रेडी हो के कहीं बाहर जाऊँ, सो आई एम यूटिलाइजिंग इट टू द फुलेस्ट। मॉइस्चराइज कर लिया है, सो मेकअप के लिए बेस में ऐसे फाउंडेशन कंसीलर कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ, शुगर की बीबी क्रीम है एंड इट इज अमेजिंग। अगर आप लोगों को ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, कंसीलर वगैरह की नीड नहीं है, यू जस्ट नीड अ यू नो डेली वेयर समथिंग टू जस्ट इवन आउट योर स्किन टोन, आप इसको चेकआउट करो, इट इज़ अमेजिंग। आई एम इन लव विद दिस बीबी क्रीम। एनीवेज मैंने काफ़ी बार पहले भी बोला हुआ है कि मुझे बीबी क्रीम पसंद नहीं है बिकॉज शेड रेंज वगैरह वगैरह, बट दिस वन इज ऑसम एंड दिस शेड इज सच अ परफेक्ट मैच टू माई स्किन टोन, आई लव इट। मुझे लेट हो गई है, मम्मी डांटने लगी है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी जा चुकी हैं, बट आई स्टिल वॉन्ट टू लुक अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, तो मैं मेकअप कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। एंड आई डोंट नीड एनी मोर कवरेज और कंसीलर क्योंकि मैं ऐसे ही लाइट ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं करना है मुझे। पाउडर सेट कर लूँगी, ब्लश, the next day. Good morning guys, it is the next day, आज नवमी है, हैप्पी नवमी टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे घर में कंचिका है, मतलब घर पे नहीं है, बट हम लोग नीचे जाएंगे बच्चों को खाना देने बिकॉज आफ्टर कोविड यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को भेजने में लोग हिचकिचाते हैं,
तो हम लोग अभी ना बाहर जो बच्चे होते हैं उनको ही खाना दे के आ जाते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी आर गोना डू. मैंने सोचा था स्किन केयर करूँगी, मेकअप करूँगी, बट मैं बहुत लेट हो गई हूँ उठने में. तो मैंने सिर्फ सनस्क्रीन अभी लगाया है एंड नाउ आई एम गोना गो. मम्मी सारा कुछ काम कर रही है, मैं पूजा कर लेती हूँ एंड आई सी यू गाइस इन अ बिट. बहुत लेट हो गई आज. गाइज दिस इज मी मैनी मैनी आवर्स लेटर. तो हम लोग सुबह वो सारा प्रसाद पैक करके वी वेंट डाउन एंड वी फेड द किड्स. जिसके बाद ऊपर आके मैंने खाना खाया. और नवमी में खाना खाने के बाद ना जो सुस्ती आती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. आई डोंट नो इफ इट हैपन्स टू यू गाइज ऑल्सो, बट मेरे साथ तो ये हर बार का है. नवमी में खाना खा के एक अलग ही लेवल की सुस्ती आती है. एक तो हम लोगों के घर में पूड़ी उतनी ऑफन बनती नहीं है, ज़्यादा लोग कोई खाते भी नहीं है. और जब भी पूरी बनती है तो आई जस्ट गो क्रेजी. लाइक मैं बोलूँगी भी नहीं कि मैं कितनी पूड़ियाँ खा जाती हूँ एक टाइम पे. तो उसके बाद मुझे बहुत सुस्ती आ रही थी तो मैं थोड़ी देर सो गई. तो ज़्यादा ही सुबह थी तो मैंने कहा चल थोड़ी देर सो जाते हैं. मैं सो गई थी एंड देन आई वोक अप एंड आई थिंक माई बी पी हैड ड्रॉप्ड और व्हाट. तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी उसके. इतनी मुश्किल से मैं उठी एंड आई आस्क्ड माई मॉम टू गेट द बी पी मशीन टू चेक माई बी पी एंड येस इट वॉज लो. तो मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी. सो नाउ आई एम हैविंग माई नींबू पानी विद सॉल्ट ताकि थोड़ा सा बी पी स्पाइक करे. एंड देन आई हैव अ लॉट टू फिनिश टूडे. इट इज़ अ वर्किंग डे. पहले मैं छोटा सोचा था कि स्कूल पहले मैंने सोचा था कि ऑफिस की छुट्टी ले लेती हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड. और ऊपर से फिर अभी फेस्टिविटीज़ भी चल रही है ना, तो वो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है. बट देन आई थॉट कि आज हो जाएगा, आज दिन में मुझे उतना काम नहीं है. सो आई डिडंट टेक अ लीव एंड आई एम वर्किंग टुडे. एंड अभी हो गया टाइम, एक दो घंटा तो मैं सो गई थी. नाउ आई विल जॉइन माई ऑफिस एंड या दैट्स द अपडेट. एंड ऑल्सो द थिंग इज मैं आप लोगों को बताया था कि आज हम लोगों को नीचे डांडिया नाइट क्यों जाना है. सुपर एक्साइटेड क्योंकि दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे डांडिया के लिए जा रही हूँ. एंड मुझे मेरी मम्मी को श्योर नहीं था कि सही में मेरे को लेके जाने वाली है डांडिया नाइट के कि नहीं. अकेले मैं जाती नहीं तो श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ खरीदा नहीं अपने लिए. एंड नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना वेयर. तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे शाम को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं इधर एक शॉप है वहाँ जाके देख लूँ. वहाँ अगर कुछ मिलता है तो उधर से ले लेंगे, वरना आई विल गो टू द मॉल. अभी तो ये प्लान है बट लेट्स सी मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता. बिकॉज एज आई सेड आई एम वर्किंग टुडे तो दिन में तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं. एंड देन शाम को आई थिंक 7-8 बजे से वो शुरू हो जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट अभी तो मुझे ऑफिस का काम करना है तो आप लोगों से मैं शाम को ही मिलती हूँ. ओके सो द अपडेट नाउ इज दैट मेरा अभी तक ऑफिस चल रहा था. अभी ऑफिस खत्म हुआ है. सो आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं कहीं ज़्यादा दूर जाके कुछ लेके आ पाऊँ, तो मैं नहीं ला पाई. एंड जो आसपास की शॉप्स थे वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला. लाइक देर वर अ फ्यू स्कर्ट्स बट दे वर जस्ट लाइक द वंस दैट आई हैव, लाइक नॉट समथिंग डिफरेंट. मुझे वैसे चाहिए थी वो धागे की कढ़ाई वाली या लहरिया प्रिंट या फिर बांधनी प्रिंट, बट मुझे बेसिकली नहीं कुछ मिला. सो अभी जो मेरे पास है ऑलरेडी आउटफिट्स हैं उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके आई हैव टू फिगर समथिंग आउट. सो गेट रेडी फॉर अ फैशन शो गाइज नाउ बिकॉज आई हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस एंड आई डोंट नो व्हाट टू वेयर विद व्हाट. सो आई विल जस्ट फिगर दैट आउट राइट नाउ विद यू ऑल. आज तक मैंने सुना था कि बैड लक भी खराब चल रहा है, आज ना मेरे साथ वही हो रहा है. लिटरली आई एम सो स्टूपिड. पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ. एक तो पहले मुझे मेरे पसंद का आउटफिट नहीं मिला तो मेरा वैसे मूड खराब था. एंड देन आई वॉज प्लानिंग टू वेयर दिस ब्लाउज. दिस इज अ ब्यूटिफुल गोल्डन ब्लाउज, तो काफ़ी सुंदर काम है. एंड जो भी मेरे पास स्कर्ट्स है ना उसमें गोल्डन कलर के एक्सेंट्स है तो मैं ये उसके साथ अच्छा जाता. एंड आई डोंट नो मुझे क्या सूझी, ये पैडेड ब्लाउज था. मैंने मम्मी को बोला कि मुझे फिटिंग सही नहीं लग रही है, आप इसके पैड्स रिमूव कर दो एंड देन आई वियर इट. एंड मैंने इसके पैड्स रिमूव कर दिए विदाउट थिंकिंग कि ये पीछे से बैकलेस था. एंड आई ऑब्वियसली कैन नॉट वियर एनी ब्रा अंडरनीथ दिस बिकॉज वो पीछे से विजिबल है. नाउ आई हैव टू वियर दिस ब्लैक ब्लाउज. दिस इज व्हाट दिस वन लुक्स लाइक. अब मुझे नहीं पता कि मेरी स्कर्ट से ब्लैक वाले के साथ कैसे लगेंगे. मेरा इतना दिमाग खराब हो गया आज. ओ गॉड,
आई शो यू द स्कर्ट ऑप्शंस वेट सो आई हैव थ्री स्कर्ट ऑप्शंस पहली तो ये है दिस इज लाइक अ फ्लोरल स्कर्ट सो दिस इज व्हाट दिस आउटफिट लुक्स लाइक तो दिस स्कर्ट लुक्स गुड विद दिस ब्लाउज ब्लैक के साथ अच्छी लग रही है बट अगर मैं ये पहनती हूँ आई विल नॉट बी एबल टू वियर एनी दुपट्टा एंड आई वॉन्ट टू वियर अ दुपट्टा लाइक आई वॉन्ट टू बी फुल ऑन ट्रेडिशनल सो देखते हैं अभी एक ऑप्शन ये है एंड डोंट माइंड आई एम वियरिंग माई रेड लेगिंग्स अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है आई एम फिगरिंग आउट सो द सेकेंड इज दिस गोल्डन स्कर्ट दिस इज वॉट दिस वन लुक्स लाइक इसकी थोड़ी सी लेंथ छोटी है एंड दिस इज अ वेरी वेरी प्लेन गोल्डन स्कर्ट इट डज नॉट हैव एनी वर्क व्हाटसोएवर ये मैंने सूट के साथ किया एंड आई हैव दिस दुपट्टा विद दिस दिस इज द थर्ड ऑप्शन ऑफ द स्कर्ट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कर्ट लग रहा है कि ब्लैक ब्लाउज के साथ सही लग रही है यही पहन लेती हूँ अभी दुपट्टा के लिए आई हैव टू ऑप्शंस वन इज दिस This is more of pinky tone and this is golden. दोनों लगा के देखती हूँ आई थिंक आई गो विद दिस वन दिस लुक्स बेटर विद द स्कर्ट एंड लाइक इट इज लुकिंग बेटर और ओवरऑल मुझे ये ब्लैक ब्लाउज पसंद नहीं आता है बट अभी आई कॉन्ट डू एनी थिंग ये लास्ट मोमेंट पे एनी वेज आउटफिट इज डन Somehow, thankfully, abhi I'll do the makeup and hair. Just a minute. Guma. Hi, bol do. Finally, I'm ready, guys. So, makeup के लिए मैंने थोड़ी सी ब्लॉक आईज करी because Indian के साथ ये काफी अच्छा लगता है. बिंदी और पूरा लुक कंप्लीट हो गया. पहले मैं इसमें डाउटफुल हूँ. पहनना चाहिए था कि नहीं बट अब तो मम्मी ने बोला तो मैंने पहन ही लिया एंड आई शोड यू माई ओवरऑल लुक बताना कॉमेंट्स में मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या मम्मी ज़्यादा अच्छी लग रही है हाय बोलो अच्छा तो अभी हम नीचे जा रहे हैं डांडिया के लिए डांडिया इज़ रेडी और इधर हमारे घर के इस वाले पार्क में भी फंक्शन हो रहा है सो प्रॉबेबली अगर हमें टाइम मिला और सब लोगों का मन हुआ तो हम इधर भी जाएंगे बट अभी फिलहाल तो हम नीचे जाते हैं एंड आई विल शो यू गाइस अलोंग आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड वेरी वेरी हाई राइट नाउ ऑन एनर्जी आई गॉट क्रेजी डांसिंग मुझे इतना ज़्यादा मजा आया आई शॉट दिस आउटरो आई एम शूटिंग इज द सेकेंड टाइम बिकॉज मैं कैमरा ऑन करने भूल गई थी बट या आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज ब्लॉग मुझे बहुत 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 मजा आया अभी मैं घर आई थोड़ी सी सांस लेने और पानी पीने बिकॉज मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था एंड आई एम गोना गो बैक डाउन अगेन फोन नहीं लेके जा रही इस बार बिकॉज डांस नहीं हो पा रहा अच्छे से सो आई विल सी यू गाइज सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो आप लाइक कर देना कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय